हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन इंटरनेशनल सिचुएशंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में ईमेल्स कवर किया था। टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग इंटरनेशनल सिचुएशन। ठीक है, एंड आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ भी गया होगा और आपने प्रॉपर ईमेल के बारे में पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, सो लेट्स कवर कम टू द प्रेजेंट सेशन, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग इन इंटरनेशनल सिचुएशन। सो इट इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद द देयर क्लाइंट, जो कि किसी अदर कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन नंबर ऑफ चैलेंजेस अराइज, नंबर ऑफ क्रॉस कल्चर चैलेंजेस अराइज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट you have to make a proper communication so your party can understand you in the same intention. okay, jo bhi aap jis bhi intention se aap jo bhi aapke aapka communication ka objective hai ya fir jis bhi intention se aap communication kar rahe ho, theek hai. so there are number of challenges related to the language discriminations as well as the culture rituals. Number of these things, there is a difference between value and beliefs also, which affect the business. So that's why I am saying it is a very important thing while you are communicating to the external persons who belong to other nations or country. ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से communication जो लोग अलग दूसरी किसी दूसरे culture से हैं या किसी दूसरी country से belong करते हैं, अपने आप में एक important role play करता है। ठीक है, चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो भी कम्युनिकेटर है, स्पीकर है, उसके सामने मेजर चैलेंजेस अराइज होते हैं। ठीक है, और उसको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करना है, ताकि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो कम्प्लीट हो और जो भी उसका टारगेट पर्सन है वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि भी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे, और फाइनली हम जो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम पे हम अचीव भी कर लें। ठीक है, सो नाउ टुडे इन टुडे सेशन फर्स्ट वन, what to do, what should we do while we are talking about the international situations communications. ठीक है, तो फर्स्ट वन है what to do. First one is speak clearly. First point is related to speak clearly. This means speak clearly so that people can hear and understand you and your word, what you are saying. तो ये क्या है, एक effective यानी कि first principle है। चाहे हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू हैव टू स्पीक क्लियरली, योर वर्ड शुड बी क्लियरली स्पीक आउट फ्रॉम आउट ऑफ योर माउथ, एज वेल एज योर वॉइस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर व्हेन यू आर डूइंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, दैट टाइम यू हैव टू टेक द एक्शंस रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, स्पीक क्लियरली, आपको क्लियरली स्पीकिंग करनी है। ठीक है, डोंट मंबल्स स्लर योर स्पीच। जैसे कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं,
कुछ कोई बात कहते हैं तो उसको एकदम मन ही मतलब कि इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है, इस पे हमेशा आपको स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। और ना ही सुपर फास्ट कम्युनिकेशन करना है, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई क्राउडी एरिया है तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम भी आपकी हाई है लेकिन और आपकी स्पीड भी हाई है, ठीक है। एज वेल एज अगर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट लैंग्वेजेस के पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। सो स्पीक सुपर फास्ट व्हेन एड्रेसिंग अ क्राउड हुज नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, व्हाट टू डू में स्पीक क्लियरली। सेकंड वन है स्पीक स्लोली, हेल्प योर लिसनर्स बाय स्लो डाउन स्लोइंग डाउन, गिव देम टाइम टू कैच योर वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन ऐसा भी नहीं है कि आप फास्ट बहुत कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्लो कम्युनिकेशन एक स्पीड मेंटेन करते हुए आपको कम्युनिकेशन करना है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके वर्ड्स को कैच कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि उसका एक मीनिंग क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लोज टू गॉज वेदर यू आर बींग अंडरस्टूड। इफ पीपल आस्क यू रिपीट वट यू हैव सैड सो लुक पजल और रिस्पॉन्ड इनअप्रोप्रिएटली, मोस्ट लाइकली दे हैव नॉट अंडरस्टूड यू। रिपीट यूअर आइडिया स्लोली इन द सेम एंड डिफरेंट वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि फिर आप उस चीज को कहेंगे नहीं। इफ ऑल एल्स फेल्स राइट इट डाउन, तो आप उसको लिख दीजिए, रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर दीजिए। थर्ड वन है ट्राई एंगुलेट यूअर मेन आइडियाज, दिस टेक्निक इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया 3 टाइम इन स्लाइटली डिफरेंट वे, इट गिव्स यूअर लिसनर 3 चांस टू कैच वट यू आर सेइंग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्पीकर वर्ड्स आई बिलीव ही इज राइट मैन फॉर द जॉब, लिसनर थॉट येस ही हैज ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन राइट ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर टिल नाउ आई अंडरस्टूड इट्स एज आई थॉट, ओके। नेक्स्ट वन है यूज मीनिंगफुल टेम्पो एंड इंटोनेशंस, यूज मीनिंगफुल एंड इंटोनेशन बाई चेंजिंग द टोन ऑफ योर वॉइस, वेरिंग द टेम्पो एंड प्लेसिंग स्ट्रेस ऑन एरियाज यू वुड लाइक टू एम्फेसाइज, यू प्रोवाइड एडिड क्लूज टू हेल्प योर लिसनर्स ग्रैस्प योर मैसेज, प्रोवाइडिंग साइन पोस्ट अलोंग द वे। नेक्स्ट वन है साइन पोस्ट, प्रिपेयर योर लिसनर्स इन एडवांस बाय इंफॉर्मिंग देम अबाउट द प्लान डायरेक्शन ऑफ द योर डिस्कशन और प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनी चेंजेस अलॉन्ग द वे। फॉर एग्जाम्पल टूडे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट 3 एरियाज, द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कैनेडा, अवर न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी और द टाइम लाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन को एक साइन पॉट्स प्रोवाइड करवाना है कि भाई अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर मेनली आपको डिस्कशन करना है, ठीक है, ताकि तीनों ही सेक्शन आप कवर अप कर सकूं। नेक्स्ट वन है यूज वेरिफिकेशन लूप्स इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, स्पेशली इट इज़ वैल्यूबल टू कीप चेकिंग वेदर यूअर लिसनर आर फॉलोइंग अलॉन्ग द योर आर्गूमेंट।
दिस कैन बी डन बाय आस्किंग डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ, वुड यू लाइक मी टू इलेबोरेट. इन दिस वे लिसनर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्लियर स्टेज. ठीक है, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन लोग यूज करने चाहिए. अगर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं स्पेशली, इट इज़ वैल्यूएबल, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज इट कीप चेकिंग वेदर यूअर लिसनर आर फॉलोइंग अलॉन्ग विद यूअर आर्गूमेंट. ठीक है, तो बीच बीच में आप इस तरीके से भी बोलते रहेंगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इज एवरीथिंग क्लियर इट टिल नाउ, एंड वुड यू लाइक टू मी इलेबोरेट, इस तरीके से. तो अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और आपका जो ऑडियंस है उसका रिप्लाई मिल रहा है, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ प्रॉपर वे एंड ऑन द ट्रैक. ठीक है, नेक्स्ट वन है राइट. अनफेमिलियर नेम्स एंड टेक्निकल टर्म्स. एवरी पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन द एवरी फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट सम अनफेमिलियर नेम्स ऑल्सो एंड सम टेक्निकल वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है, ताकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके. द पर्सन हु इज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड, ही एंड शी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ऑफ दैट फील्ड, बट एवरी पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ टेक्निकल टर्म्स और द specify area terms. Okay, so you have to write down that words and the information, क्योंकि हर बंदा उसको नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए आप उसको नोट डाउन राइट डाउन भी करिए. एंड नेक्स्ट वन है बी सिंसियर. आप खुद भी सिंसियर रहिए, हमेशा फॉर्मल रहिए जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी पर्पज से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करता है. कीप ए सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है, तो ये क्या है, ये है वॉट टू डू ड्यूरिंग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिचुएशन. ओके, थैंक यू. तो तब तक आप ये पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी मोटिवेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू डू. ओके, थैंक यू.